सो गाइज़, आज हम मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं ये जो बोर्ड, ये है एक, आप गेस कर लिए होंगे, स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड है। तो ये बोर्ड के अंदर हम यूज़ किए हैं ये जो रिले है, 30 एम्पियर का रिले यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर जो फीचर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं ये जो है प्रोटेक्ट है, पावर है, और यहाँ पर है सिग्नल, ये है क्लिप, ठीक है। तो और इसके अंदर है स्पीकर इन, स्पीकर आउट, ग्राउंड वन, ग्राउंड टू, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 18 वोल्ट AC, 18 वोल्ट AC का कनेक्टर यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो इस बोर्ड को आप पूरा देखिए ध्यान से, फुल ध्यान से इस बोर्ड को आप लोग देखिए, काफ़ी शानदार बोर्ड इसको बनाया गया है। फुल मतलब क्वालिटी को देखिए बोर्ड का आप। तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, सारी ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाया गया है, और रेजिस्टेंस जो है सब 5 बैंड की और ठाकुर का रेजिस्टेंस लगाया गया है। और यहाँ पर एक 340 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ON का ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है। तो पीछे साइड में तो देखिए रेड कलर की मास्किंग है, और ये जो है सर्किट जो है उसमें कॉपर जो क्लेड है, ये 70 माइक्रोन का क्लेड है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अब थोड़ा देखने की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए ये पूरा 70 माइक्रोन का PCB है, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हाई लोड रहेगा उसी जगह पर मोटा ओवर सोल्डरिंग ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसको हम पहले टेस्ट करके देख लेते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हम 18 वोल्ट ले चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो वोल्टेज हैं, ये AC 18 वोल्ट है। आप कोशिश करिए कि 18 वोल्ट लेने के लिए, यहाँ पर देखिए 16 दिखा रहा है मुझे, 16-17 दिखा रहा है AC, कोई दिक्कत नहीं। हमारी 230 की जगह अभी 220 है, तो इसलिए थोड़ा वोल्टेज कम दिखा रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ही हमारी रिले जो है वो ऑन हो जाएगा, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड भी ऑन हो जाएगा। तो चलिए हम इस बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर ये AC वोल्ट लगने वाला है। इस कनेक्टर को इसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर देने वाले में नहीं चाहिए, ठीक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव इसकी नहीं है, ये AC है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिए हैं, अब देखिए ये देखिए काफ़ी शानदार से ये काम किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर से हम करके दिखाते हैं आपको, ये ऑफ हो गया, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। तो अब हमें क्या कर रहा है, इसके अंदर जो प्रोटेक्शन सिस्टम है DC वोल्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर एम्पलीफायर से DC वोल्ट आउटपुट हो रहा है तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। चलिए देखते हैं DC वोल्ट को ट्रिप करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने 12 वोल्ट का एक सप्लाई लेंगे जहाँ पर DC रहेगा। तो ये देखिए ये नेगेटिव है, सीधा ये नेगेटिव है, ये जो चार कनेक्टर देख रहे हैं आप ये नेगेटिव है, और ये जो है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर DC वोल्ट एक देंगे, यहाँ पर देंगे एक, ये DC वोल्ट हम इन दोनों कनेक्शन में जगह पर लगा देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये हमारा एक DC सप्लाई है, ये एक DC सप्लाई है। तो चलिए हम इसको DC में मल्टीमीटर को रख देते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो भी दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर 11.9 है, मतलब 12 वोल्ट की करीब है ये। तो चलिए इसको हम लाइन देकर देखते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर हटा लेते हैं, ये देखिए इस जगह पर और इस जगह पर हमें वोल्टेज देना है। तो ये लाइन गया है इधर, तो हम अगर इधर पर ही कनेक्ट कर देते हैं तो ही काम हो जाएगा।
तुरंत ये ट्रिप हो गया था, ये देखिए। ठीक है, इसे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है और ये जो है, यहाँ पर देने से काम नहीं बनेगा। आपने देखा, और ये देखिए, इन दोनों जगह पर भी दे देंगे तो देखिए। ऐसा होने का एक कारण मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पीकर लगने वाला है। ठीक है, तो जब ही ये स्पीकर लाइन से डीसी वोल्ट आएगा तभी ये ऐसा करेगा। मतलब ये डीसी वोल्ट यहाँ से जा रहा है तो रिले ट्रिप हो जा रहा है, तो रिले ट्रिप होने की वजह से ये जो डीसी वोल्ट है ये बोर्ड के अंदर नहीं जा पा रहा है, जा रहा है और आप कट हो रहा है, जा रहा है कट हो रहा है। तो हम अगर इस बोर्ड को यहाँ पर ही लगा देंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम इसको लगा देंगे इस जगह पर और इस जगह पर। तो इसको थोड़ा हटा कर लेते हैं, थोड़ा लंबा कर लिया हूँ, तो इस जगह पर लगने वाला है। और ये देखो, ठीक है, आप देख रहे हो ना। तो यही था, और इसको खोल देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप क्लिप और सिग्नल, नॉर्मली हमारी जब साउंड चलेगा यहाँ से एम्पलीफायर को इनपुट किया जाएगा, तो उस टाइम ये सिग्नल जो है वो बेस के साथ साउंड के साथ ब्लिंकिंग करता रहेगा। ठीक है, तो ओवर जब हो जाएगा तो ये क्लिप चलेगा। मतलब नॉर्मल जो हमारी साउंड चलता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल जब चलेगा, एबनॉर्मल चलने के टाइम पर एक क्लिप चलेगा। ठीक है, तो मतलब क्लिप को जलवाना नहीं चाहिए। एम्पलीफायर जब क्लिप में चल रहा है तो साउंड को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, या फिर बास ट्रबल को थोड़ा बैलेंस में ला कर लीजिए। तो यही था आज की वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।